और आश्विन महीना में भी आपको इतना लाइन में लगना पड़ेगा इसके अंदर में, उसके बाद ही आप जलार्पण कर पाएंगे। हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों अभी हम लोग बाबा मंदिर के अंदर में है और आप सभी को दिखाने वाले हैं कि आश्विन महीना में कैसा भीड़ लगता है बाबा मंदिर के अंदर में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। सो फ्रेंड्स, आप सब अभी देख पा रहे हैं कि जिस तरह आप लोग को भादो में देखने को मिलता था, ठीक उसी प्रकार आश्विन में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं चारों ओर और दिखाते हैं किस तरह का भी भीड़ है। तो कुछ यहाँ पर आंगन में कुछ ऐसा भी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है और चलते हैं आगे की ओर। सो फ्रेंड्स अभी पहुंच चुके हैं पार्वती जी के मंदिर के पास और इसके बगल में कुछ ऐसा आपको भीड़ देखने को मिल रहा है। और इसके बगल में आपको दिखाते हैं इधर जो कि धूप और अगरबत्ती यहां पर जला रहे हैं, इधर भी कैसा भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा यहां पर लाइटिंग कम है जिसके कारण उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है। और इसके बगल में आपको दिखा रहे हैं, देखिए इधर पूरा एकदम मंदिर ही मंदिर है और भक्तों का कुछ ऐसा भीड़ है। और अभी पहुँच चुके हैं निकाय द्वार के पास, तो यहाँ पर भी वैसा ही भीड़ है। तो चलते हैं आगे की ओर, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं उधर कैसा भीड़ है और लाइन में कैसा लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। और आश्विन महीना में भी आपको इतना लाइन में लगना पड़ेगा इसके अंदर में, उसके बाद ही आप जलार्पण कर पाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको लाइन में लगना पड़ेगा, देख पा रहे हैं। और अभी हम आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाने के बाद फिर से मंदिर के सामने आ गए हैं और यहाँ निकाय द्वार है, देख सकते हैं। अभी आप लोग भीड़ में उतना नहीं दिख रहा क्लियर, और इतना श्रद्धालु का भीड़ आप लोग देख के समझ सकते हैं अभी भी इतना भीड़ लग रहा है। और चलते हैं इधर की ओर। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए अंदाज के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।